do it! Just do it! So, hey guys, what's up? Welcome back to my channel. तो अपन वापस आज लेके आ चुके हैं XOL vs Squad का वीडियो, लेकिन ये मोन्टाज नहीं, ये होने वाला एक हाईलाइट वीडियो जिसमें आपको बहुत फनी फनी चीज़ें भी देखेंगे. आप फिलहाल जो है ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और ये एंजॉय करना. तो जैसे कि अपन फिलहाल जो उतरे वो न्यूक्लियर प्लांट पे, और इधर एक पूरी स्क्वाड आ गई थी और उसके बाद एक और स्क्वाड भी आएगी चॉपर के साथ, तो वो देखना. फिलहाल ये जो है फाइट बहुत मज़ेदार होने वाला है, मैं आपको वॉइस ओवर भी देते रहूँगा. फिलहाल जो है ये फाइट देखना और इन्जॉय कीजिए. तो गाइस फिलहाल मेरे को एक नमूना दिखा, तो मैं उसको स्कोपिंग करके बैठा था, जैसे ही बाहर आएगा पिला जाएगा और पेल दिया उसको. और दूसरा नमूना भी मेरे को एक वापस मिलने वाला है जो कि दूसरे घर पे, इधर से मैं उसको वॉल बैंक दिखे उसको भी मार दूंगा, वो अभी आपको दिखे जाएगा. ये देखना, और ये रहा उनका तीसरा नमूना. पता नहीं गाड़ी लेके क्यों आया था, काहे मरने आया था रे. और इसके बाद आ जाते हैं दूसरी स्क्वाड, और ये उसका पहला बंदा, ये गया बहुत ही बुरी तरीके से कुत्ते की मौत मरते हुए. ये इसके बाद इसका एक और बंदा आएगा जो मेरे को मारेगा, लेकिन मैं उसको पेल देगा पूरा. यही है उसका दूसरा बंदा, शान पट्टी करके आया बाहर से और पिला गया बहुत कुत्ते की मौत. और एक और जन है जो अभी बहुत कुत्ते की मौत मरने वाला है, वो भी देखना. Why are you running? गाइस पिछले वाले मीम के प्ले एक लाइक दे देना, और इधर एक पॉट आते हुए और ये भी मर खा के मरते हुए. और इसी के साथ जो है हम इधर से निकल जाएंगे और दूसरी जगह जाएंगे बंदे ढूंढने के लिए. लेकिन उसके पहले रोटेशन देते टाइम यहाँ मेरे को एक बंदा दिखा कैम करते हुए, और इसी के साथ इसकी भी मौत होती हुई. और इसके बाद फिर हम जाएंगे दूसरी जगह, और ये बीच रास्ते में एक लावारिस आदमी अपना जान बचा के भागते हुए, और इसी के साथ इसी की भी मौत होती हुई है अभी. और फिर यहाँ हम लूटते हैं अपना ड्रॉप, क्योंकि अपने को मिलेगी उसके अंदर से एकदम सेक्सी सेक्सी अपनी खुद की लोड आउट, और उसके बाद फिर हम जाएंगे बंदों को मारने. और यहाँ हमारी स्नाइपिंग की नाकाम कोशिश, पता नहीं गेम का ग्लिच था कि क्या था, मेरा एक भी शॉट ढंग से कनेक्ट नहीं हो रहा था. यह आपको बाद में भी दिखेगा, ये एक जो है ये पहला कनेक्ट हो, उसके बाद से पता नहीं गेम का क्या ग्लिच हो गया, एक भी शॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे थे. और फिर वहाँ से मैंने दूसरी साइड रोटेट किया कि ये बंदों को मारने के लिए पीछे के साइड से इनके, लेकिन यहाँ पे ढंग से शॉट कनेक्ट नहीं होते भाई, बंदे के लिटरली आर पार गोली जा रही है दो तीन. भाई पता नहीं ये क्या ग्लिच है कॉडम का, भाई बहुत बार हो चुका है ये. कॉडम ये ठीक करो भाई, तुम ट्विटर पे सब पूछते हो भाई ये ग्लिच जो हम बोलते हैं तुमको, वो ठीक किया करो बस. और फिर वहाँ से मैंने वापस अपने पुराने जगह पे आने का सोचा, क्योंकि वहाँ जोन आ रहा था और ये एक बंदा भागते भागते अपनी जान गवा बैठा. और यहाँ मैं अभी अपना स्कोप खोल के वादियों में देखते हुए किसी बंदे को ढूंढते हुए, और एक बंदा मेरे पीछे से जो मेरे को भाई थप्पा कर रहा था लिटरली अपने गन से, लेकिन मैंने उसका साउंड सुन के उसी को थप्पा कर दिया. और इसी के बाद मैं आगे बंदे देखने के लिए फिर से चले जाऊंगा, और मैं इसी की बात कर रहा था. देखना भाई लिटरली बंदे के बीच में से गोलियां निकलती है यार, क्या करूं मैं इसका, ये गेम का भाई क्या करूं. पबजी में भी यही ग्लिच था, कॉडम में भी यही, मतलब करूं तो क्या करूं, उसकी गोली लग रही है मेरी गोली बंदे के बीच में से निकल रही है बॉडी के, हद है भाई. फिर मैं वहाँ से निकल के वापस जोन को क्रैश करके आ गया, और इधर पीछे से बंदा वापस आते हुए कूद कूद के और अपनी जान देते हुए, और आगे भी एक और बंदा आएगा मैं देखूंगा उसको. एक और बंदा आते हुए मैं इधर नेट फेंकते हुए, ये लास्ट की फट बहुत इंटेंस है गाइस, वो देखना, वो भी एक आया और इसी के साथ वो भी मर गया.
और इसी के साथ यहाँ मेरा हो जाता है कल्याण। क्योंकि ये बंदा भाई मैं गन स्विच कर रहा था तब तक इसने अपना पोल्टा डाल के आके मेरे को पूरा खोल दिया और मेरे को इसी के साथ बहुत खराब लगा। और गाइस अगर आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। और मैं आप लोग से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।